हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टेड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 5 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं रीजनिंग और मैथ के, वही सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक। तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से थर्ड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, स्लोगन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन था। देखिए, एक बच्चे ने बताया कि स्टेटमेंट और आपका इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, बाकी सबसे एक ही क्वेश्चन था। तो मिरर इमेज से भी 1 क्वेश्चन था, सीरीज से भी 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन था आपका, ठीक है, क्लोक से भी 1 क्वेश्चन था, कैलेंडर से भी 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से आपका पता नहीं कितने क्वेश्चन थे बट एक शायद क्वेश्चन था, ठीक है, काउंटिंग फिगर से पता नहीं क्वेश्चन था या नहीं था, अगर था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ब्लड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन था। तो अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज का देखिए किसी बच्चे ने बिल्कुल सही से तो नहीं भेजा है, बट उसने जैसे जैसे बताया था फ़ोन पे, मैं वैसे ही कुछ बना ली थी इमेज, तो इस तरीके की आपकी इमेज होगी। बस आपको एक चीज़ समझनी है, मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको ईजिली कर लेंगे। जो चीज़ मिरर के पास में रखी होगी, चाहे मिरर नीचे रखा हो, यानी कि वोटर इमेज की अगर बात की जाए, तो आप ये समझिएगा कि मिरर आपका नीचे रखा है, ठीक है, लेफ्ट या राइट में रखा है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो चीज़ें मिरर के पास में हैं तो वो पास में रहेगी और जो दूर है वो दूर रहेगी। बस इतना सोच तो आप क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे मिरर रखा है तो ये पास में कौन सी चीजें लाइनें हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लाइनें अगर पास में हैं तो इधर भी लाइनें पास में ही आएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि जो लाइनों का झुकाव है वो मिरर के इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा और बाकी का जो पीछे का जो बॉक्स है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस तरीके से आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका, किसान, भारतीय किसान और अमेरिकी नागरिक का वेन डायग्राम आपको बताना था। देखिए, जो भारतीय किसान होंगे, ठीक है, जो भारतीय किसान है वो तो सभी किसान तो होंगे भाई, जब भारतीय किसान बोल दिया गया है तो यहाँ पे सभी के सभी भारतीय किसान किसान तो होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला गया अमेरिकी नागरिक, तो यहाँ पे कुछ अमेरिकी नागरिक आपके किसान हो सकते हैं, ठीक है, किसान तो हर एक कंट्री में होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ अमेरिकी नागरिक जो है आपके किसान हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बन जाना था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था इस तरीके से कि जेड ए लिखा था, वी सी लिखा था, आर ई एन जी जे आई और एफ एफ के आपको यानी कि निकालना था। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला और नेक्स्ट वाला पहला जो लेटर है आपका उसमें -4 चल रहा है, ठीक है, -4 -4 -4 और नेक्स्ट आपका -4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। और यही कंडीशन आपका ऊपर बस +2 चल रही है, ए में +2 तो आपका सी, सी में +2 तो आपका ई, ई में +2 तो आपका जी और जी में +2 तो आपका आई और +2 करेंगे तो के, तो एफ और के इज द राइट आंसर, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से था कि 285, 253, 221, 189 और नेक्स्ट आपको बताना था। तो सभी में -32, एक बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उस टाइम पे इसमें चल रहा था -35, तो अभी चल रहा है इसमें -32 करेंगे तो 157 इसका राइट आंसर बन जाएगा, तो ठीक है। एक था आपका डायरेक्शन से, अभी डायरेक्शन का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, बट कुछ इस तरीके से था कि किसी आदमी ने 4 किलोमीटर पूर्व की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ठीक है, पूर्व की डायरेक्शन में जाने के बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया और उस में वो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। तो उसी तरीके से पूछा गया था कि किस डायरेक्शन में अभी इसका फेस है, फिर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पश्चिम हो जाएगा इसका राइट आंसर। डायरेक्शन का बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में, तो एक बार डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, बस नॉर्मली आप उसको ईजिली क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि सी डी ई एफ को क्या लिखा जा रहा है, एक्स डब्ल्यू वी यू और एच के जे एम को क्या लिखा जाएगा, तो यानी कि ये अपोजिट वर्ड है, अगर आप देख पा रहे होंगे एकदम से आपको नजर आ जाएगा कि सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, एफ का अपोजिट आपका यू होता है। उसी तरीके से आपका एच के जे एम का क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट आपका एस हो जाएगा, के का अपोजिट आपका पी हो जाएगा, जे का अपोजिट आपका क्यू हो जाएगा और एम का अपोजिट आपका एन हो जाएगा, तो एस पी क्यू एन इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सभी कॉपी
किताब है और कोई किताब पेंसिल नहीं है और सभी पेंसिल रबर हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, सभी की सभी जो कॉपी आपकी वो किताब हो जाएगी, ये वाला वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया कोई किताब पेंसिल नहीं है। देखिए जब भी किसी के बीच में नहीं का रिलेशन होता है तो उसको उससे दूर हटा के बना देते हैं, ठीक है, इतने तो आप समझ ही जाते होंगे। तो कोई किताब पेंसिल नहीं है तो आपका ये वेन डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। सभी पेंसिल रबर हैं तो आपका देखिए सभी की सभी पेंसिल रबर हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से पूरा वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, तो कॉपी देखिए किताब और पेंसिल के बीच में रिलेशन किसका है, नहीं का है, यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो और सभी के सभी कॉपी आपकी किताब है, यानी कि किताब के अंदर कॉपी बैठी हुई है और इसका रिलेशन पूछा है पेंसिल के साथ में, नहीं का है। तो ये बिल्कुल सही है, ये इनके बीच में रिलेशन नहीं का है, क्योंकि जब बाहर वाले के साथ में रिलेशन नहीं होगा तो अंदर वाले के साथ में कैसे हो जाएगा। तो कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका कुछ किताब रबर है, तो कुछ किताब आपका रबर देखिए यहाँ पे नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि किताब और रबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया। अगर यहाँ पे बोला जाता कि कुछ किताब रबर हो सकती है तो सकने वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन राइट नहीं होगी जिसमें आपको 100% श्योरिटी के साथ में बता दिया गया कि कुछ किताब रबर है, तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक देखिए यहाँ पे बताना था, एनालॉजी का एक क्वेश्चन था कि अगर ये इस तरीके से लिखा जाता है तो नेक्स्ट आपका ये किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका जो है त्रिभुज है, त्रिभुज को आपको एक और उसके ऊपर को त्रिभुज बना दिया उल्टा करके, तो यहाँ पे अगर ये है आपका तो इसके ये वाले को एक बार और बना देंगे कट कट करके। तो मतलब सिंपल था, इसको आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे बात की जाए मैथ की, तो मैथ में आपका देखिए टॉपिक वाइज मैं आपको बता देता हूँ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए टॉपिक जो मैं लिख के लेके आता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उतने इंपॉर्टेंट ये आपके होते हैं टॉपिक सारे, तो इनको जरूर देख लिया करें, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई किया करें, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है तो उनको छोड़ दिया करें, क्योंकि जैसे मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ये भी नहीं कि मिक्सचर एलिगेशन से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कर पाएं, ठीक है, तो उससे नहीं देखने को मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जिस चैप्टर से आ रहे हो तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए भी। जैसे आपका टाइम एंड वर्क है और पाइप एंड सिस्टम है, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो कभी भी मतलब ये नहीं होगा कि आप पढ़ के चले गए और क्वेश्चन नहीं आया, 100% आएगा। अभी से शुरू से लेकर अभी तक हर एक शिफ्ट में 2 से 3 और 4 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन, बोर्ड मास से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अगर SI की बात कीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट से आज तीनों शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, एक एक क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में आया। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, HCF LCM में आपका एक क्वेश्चन था, वो मुझे पता चल गया, मैं अभी आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और एज, इन तीनों चैप्टर का नहीं पता चला है कि इनसे क्वेश्चन था या नहीं था, तो अगर आया होगा तो बताइएगा मुझे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में तो था, थर्ड शिफ्ट में नहीं है शायद, तो स्क्वायर रूट से भी आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सबसे पहले LCM HCF वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा था, ठीक है, डिजिट शायद चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन यही था। यहाँ पे दे रखा था कि LCM आपका 1920 है, HCF आपका 16 है, फर्स्ट डिजिट आपको दे रखी थी 128 और सेकंड डिजिट आपको निकालनी थी। तो आपको पता होगा फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट और किसके इक्वल होता है, ये आपका LCM HCF के मल्टीप्लाई के, ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। अगर आपको इसको इसका पता है तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू आपको पता है 128 है, सेकेंड वाली को हमने मान लिया एक्स, LCM इंटू HCF करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1920 गुणा कर देंगे 16 की और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 128 से, तो x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 128 से 1920 को कट करेंगे 15 बार जाएगा, 15 की 16 में करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 240 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो CP क्या है, यानी कि आपको लागत बतानी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जो CP होती है वो 100% है भाई, किसी वस्तु को अगर हम 10% की हानि पर बेचते हैं और 10% हानि की उपेक्षा 20% लाभ पर बेचने लगे तो हमें 210 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर किसी चीज़ को हम पहले से 10% की हानि पे लॉस पे बेच रहे थे और उसको 20% लाभ पर बेचना शुरू कर दे तो हमें टोटल मिला के प्रॉफिट हुआ कितना भाई, 10% से तो सबसे पहले हानि से बाहर निकल के आया, फिर उसके बाद में प्रॉफिट भी कमा रहा है, सबकी इसकी वजह से 210 रुपये की वजह से,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो होगा 10% प्लस 20%, तो 30% के इक्वल आपकी 210 रुपये हो जाएगा। तो 100% की आपसे वैल्यू पूछी है, तो 210 भाग कर देंगे 30 से, यानी कि 30% के इक्वल वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 210 डिवाइड करेंगे 30 और इंटू करेंगे 100, तो 0 से 0 जाएगा, 3 से 20 बन जाएगा 7 टाइम, और 7 की 100 में करेंगे तो 700 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी थी आपको 6000, रेट दे रखा था 6% और टाइम दे रखा था 2 ईयर का, और यहाँ पे पूछा था हाफ ईयरली निकालना है। देखिए, अगर यहाँ पे हाफ ईयरली निकालने के लिए बोला जाता है और SI ना निकाल के CI निकालते हैं, तो इसका कुछ अफेक्ट पड़ता है। अगर ये हाफ ईयरली बोल रहे हैं और बात की जा रही है सिंपल इंटरेस्ट निकालने की, साधारण ब्याज, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सीधा अपना SI बराबर P into R into T अपॉन 100 करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाफ ईयरली का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता ना, तो आप डायरेक्ट इसका 6% निकाल सकते हैं जैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा अलग लगे क्योंकि हाफ ईयरली बोला गया है, तो सीधा सीधा इसका 6 का आधा कर दीजिए 3%, यानी कि हर 6 महीने बाद 3% लगेगा, और 2 साल में कितने 6-6 महीने आएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 6% का 6000 का 3% निकालिए तो कितना आ जाएगा, 180 की 4 में मल्टीप्लाई करिए तो 720 आपका राइट आंसर बन जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे P into R into T अपॉन में 100 करके 6000 × 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर तब भी 720 ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है। यहाँ पे बोला बी सी ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया इन तीनों का LCM, कितना आ गया 180 को हमने 18 से डिवाइड किया, तो ए का आ गया 10 डेज, यानी कि ए एक दिन में 10 यूनिट वर्क करता है। 180 को डिवाइड किया 20 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो आपका आ जाएगा 9 यूनिट वर्क, ठीक है। 180 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो ये आपका आ जाएगा 6 यूनिट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सभी का पता चल गया, ए एक दिन में 10 यूनिट वर्क, बी एक दिन में 9 यूनिट वर्क, और सी एक दिन में 6 यूनिट वर्क। यहाँ पे बोला बी और सी ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक कार्य करके काम छोड़ दिया, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, यानी कि बी और सी 15 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन में कितना करेंगे 30 यूनिट वर्क। 30 यूनिट वर्क करने के बाद में बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 30 यूनिट इस टोटल वर्क में से 30 यूनिट को माइनस कर दो तो बचेगा कितना 150 यूनिट। तो 150 काम बचा हुआ है, उसको कौन करेगा, उसे करेगा ए, क्योंकि ए बी और सी जाने के बाद में ए बचेगा। तो पूछा है बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो 150 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डेज आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था पाइप एंड टंकी से, शायद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वैसे इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है, बट जैसे भी बताया बच्चे ने, मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ए किसी टैंक को 5 घंटे में, 5 घंटे में, बी किसी टैंक को 4 घंटे में भर देता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इस टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा अगर ए और बी पाइप को दोनों को साथ में खोल दिया जाए। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो बी 1 घंटे में 5 यूनिट पानी निकाल देता है। तो यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए, टैंक में पानी जाएगा नहीं, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑलरेडी वो टैंक जो भरा हुआ है, हाँ ये था कि टैंक भरा हुआ है तो उसको खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए टैंक की कैपेसिटी 20 की है, हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकलेगा, तो 20 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन ये था, एक था आपका एज से, देखिए एज से लगातार आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ए और बी का आपका 2:3 का रेशो दे रखा था प्रेजेंट एज का, और ए और बी का 3:4 का था। ये शायद आपका सेकंड शिफ्ट का है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में आपको नहीं बताया कि एज का क्वेश्चन था या नहीं था, तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिक्स भी हो रखे हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट के, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो किसी भी शिफ्ट के किसी भी शिफ्ट में मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ए और बी का आपका 2:3 दे रखा था रेशो प्रेजेंट में एज का, बी और ए और बी का आपका 10 साल का बाद का रेशो दे रखा 3:4 का, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है 2:3 होगा 3:4 हो गया, यानी कि एक एक रेशो बढ़ा है, और ये कितने साल में बढ़ा है 10 साल में बढ़ा है, तो 1 बराबर आपका 10 हो जाएगा, 15 साल बाद ए की आयु क्या होगी यहाँ पे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 क्या हो जाएगा 10 साल बाद का रेशो हो जाएगा, पूछा क्या गया 15 साल बाद का रेशो, तो 5 प्लस कर दीजिए ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर, यही राइट आंसर बन जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक 80 मीटर की 101, दूसरी ट्रेन 120 मीटर की है, एक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताया गया है यहाँ पे कि दोनों ट्रेन यानी कि तेज चलने वाली ट्रेन जो मंदिर ट्रेन चल रही है उसे कितनी देर में क्रॉस कर देगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों ट्रेन को प्लस करना है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की जो चाल है उसका डिफरेंस लेना है। जब भी कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें उन दोनों की चाल का डिफरेंस लेना होता है। तो 200 को हम डिवाइड करेंगे 10, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सॉरी जो इनकी लेंथ है वो मीटर में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में बदल सॉरी किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे, 2 से कट करेंगे 9 टाइम, 2 से कट करेंगे 5 टाइम, तो 25/9 आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 की गुणा 9 में करेंगे और अपॉन में 25 करेंगे, 25 से 200 जाएगा 8 बार, 8 की 9 में करेंगे तो 72 सेकंड में क्रॉस हो जाएगा। यही क्वेश्चन में आपके पूछा गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के चैनल से यानी कि टेलीग्राम चैनल से। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी थी। GK के क्वेश्चंस नहीं मुझे मिल पाए हैं और ये भी बड़ी मुश्किल से क्वेश्चंस मिल पाए, और मैं सोच रहा हूँ कि एनालिसिस को बिल्कुल बंद ही कर दूँ क्योंकि यार क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कम से कम भी 2-3 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चंस कलेक्ट करने में, और उसके बाद भी सुनने को क्या मिलता है कि फेकर ये है और सब कुछ है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं इस एनालिसिस को अब आगे से बंद ही कर देता हूँ। जो क्वेश्चन मिल गए तो बिल्कुल अब मैं कर दूंगा, अदरवाइज मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि 2-3 घंटे तक फ़ोन पर बात करने के बाद भी क्वेश्चंस में अगर नीचे कमेंट यही आते हैं कि ये फेक है और ये आपने उधर से कॉपी कर ली इधर से कॉपी कर ली, क्योंकि मैं कहीं से कॉपी करके नहीं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, GK के क्वेश्चंस को नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं क्या करूँ ये बताइए आप। ठीक है, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए लाइव क्लासेस जल्दी आने वाली है तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा और खुद भी थोड़ा वेट करिए, 5-6 दिन में 10 दिन में आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा जाएगा किसी भी जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए सेपरेटली, तो बहुत ही अच्छे हम करने वाले हैं आपके लिए कुछ शुरुआत और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।